हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो उस रीडिंग को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स लाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड कर जाते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए, तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन क्रिस्टल्स को अपने लिए बुक कर सकते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं गाइज। अगर आप टैरो सेशंस लेना चाहते हो या फिर टैरो कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आगे अगर हम चले तो इट इज दैट सिचुएशन जहां पर जितने नए लोग अब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिकली आप सबके लिए बनाई जा रही है। जितना पार्ट रेजोनेट करे रखो, जो पार्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे, और साथ ही साथ डिवाइन से प्रे करो कि आज की रीडिंग आपको एक्यूरेट और करेक्ट गाइडेंस देकर जाए। आज की रीडिंग में बेसिकली हम आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेकआउट करने वाले हैं, और आपके रिलेशनशिप में इस फुल मून के बाद क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, अभी फुल मून गया है 31st ऑफ अगस्त, तो इस फुल मून के बाद आपके रिलेशनशिप्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या नई चीज़ें अब आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन से एरिया जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरे होंगे, तो वो सब भी आज हम चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब मैं कार्ड शफल कर रही हूं तो अब आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हो। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस शख्स की एनर्जीज क्या हैं। तो सबसे पहले आई विल ऑलवेज लव यू इवन आई डोंट से, गिव मी अ चांस, आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चूज समवन एल्स, I wish I could rewind everything and do better this time. I'm worried about you. Okay. I will heal all your pain. I'm watching you. The two cards. Main one card pick kar rahi thi. Please forgive me and come back. Sometimes I feel you don't love me. ठीक है, तो ये आज आपके पार्टनर के कुछ messages. ठीक है, चलो अब इनके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं, फिर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, आई होप सो ऑल कार्ड्स आर विजिबल राइट। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, आई विल ऑलवेज लव यू इवन आई डोंट सी, की एनर्जी क्या कहना चाह रही है। द माइजर, ओके, गिव मी अ चांस की एनर्जी क्या बताना चाह रही है। इंटेंसिटी, फाइटिंग, ट्रस्ट, आई एम वरिड अबाउट यू की एनर्जी के लिए वी हैव इन अ वॉइस, विल हील ऑल योर पेन, सॉरो, ब्यूटिफुल, आई एम वॉचिंग यू की एनर्जी के लिए वी हैव द एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन, ओके, प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक की एनर्जी के लिए वी हैव इंटीग्रेशन, Sometimes I feel you don't love me के लिए we have politics, ठीक है, ओके। Maybe जो शख्स के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके zodiac signs Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces and Gemini, Libra, Aquarius, यानी सारे zodiac signs यहां पर हैं। ये रीडिंग जो रहेगी ये सभी zodiac signs के लिए रहने वाली है। ठीक है, एंड मतलब यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है ना, तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लाइक ऐसे हैं, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी उनकी देखने को मिल रही है जहां पर वो बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं, बहुत सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने दिल में छुपा कर रखे हैं और अभी तक उन्होंने कभी अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखाई है, लेकिन अब वो और छुपाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनके इमोशंस इतने ज्यादा ओवरफ्लो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है,
मतलब इतना स्ट्रांगली अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील कर रहे हैं कि मतलब दे लिटरली सेइंग दैट कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, ठीक है। तो आप उनके वर्ड्स पर मत जाओ। देखो जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो इट इज़ दैट हमें उनके वर्ड्स से ज़्यादा हमें उनके एक्शंस पर जाना चाहिए, राइट। कि पर्सन आई लव यू तो कितनी बार भी दिन में कह सकता है, ठीक है, लेकिन उसके एक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं यही कहना चाहते हैं कि चाहे मैं कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत केयर फील करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वरिड भी आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि उन्होंने आपको टोटल सेपरेशन दिया है, आपको हर्ट करा है, आपको आपको दुखी करा है, परेशान करा है, लेकिन उनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल प्योर हैं। वो शायद ये करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ जिस कारण उन्हें ये चीज़ें करनी पड़ी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर बहुत कुछ छुपा कर बैठे हैं अपने दिल में, बहुत सीक्रेट्स हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, बहुत बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर कैसे कॉम्बिनेशंस भी कितने पॉजिटिव आए हैं, गिव मी अ चांस। और यहाँ पर भी आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं, वो लिटरली आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और आपसे एक सेकेंड चांस मांगते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो ना अब आपसे और दूर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एंड मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी और को चुना आपसे ऊपर, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, और आपको बहुत दुख पहुंचा उन चीज़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आज रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ उन्होंने गलती करी है, ठीक है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप हो, उनके दिल में सिर्फ जो स्पेशल जगह है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं या आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और मे बी आपके पार्टनर जो हैं अब आपके लिए लड़ना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, दे वॉन्ट टू फाइट फॉर यू, ठीक है। अब उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, चाहे उन्हें किसी का भी सैक्रिफाइस करना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े, बस उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अब कम बैक करना चाहते हैं और आपसे एक सेकेंड चांस मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज करे और आपकी तरफ आकर आपसे सेकेंड चांस मांगे। आप इन्हें उसी पैशन में, उसी स्पार्क में देखना चाहते हो जिस पैशन और स्पार्क में आप पहले इन्हें देखते थे। आप इनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहते हो, अपने लिए केयर देखना चाहते हो। आपने कभी इस शख्स से ज़्यादा डिमांड नहीं करी, राइट। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपने इस शख्स से कभी ज़्यादा डिमांड नहीं करी कि तुम मुझे कमिटमेंट दो, तुम मुझे रीयूनियन दो, या तुम मुझे रीयूनियन बोल रही हूँ, मुझे तुम कमिटमेंट दो, या फिर तुम मुझे मेरे साथ स्टेबिलिटी दो, मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ। आपने कभी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा इस शख्स से, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते थे कि यार एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मुझे केयर तो दे सकते हो, तुम मुझे हैप्पीनेस तो दे सकते हो, तुम मुझे एक अच्छी दुनिया तो दे सकते हो, तुम मुझे खुशी तो फील करवा सकते हो ना कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कोई है जो मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है। सो लिटरली और वो भी ये शख्स आपके लिए नहीं कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर वो पास्ट में जाकर सब कुछ बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। आई विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम, और वो उससे भी बेटर कर पाए। तो ये पास्ट में वापस जाकर ना चीज़ों को रिवाइंड करना चाहते हैं, चीज़ें सही करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं ना पास्ट में, उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं। बेसिकली इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब ये सुधारना चाहते हैं अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। इन्होंने जो आपको दुख फील करवाया, आपको हर्ट फील करवाया है, तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत वरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जहां पर बहुत चिंता कर रहे हैं वो आपकी, कि आप दुखी होगे, आप परेशान होगे, ठीक है, बहुत चिंता करते हुए से नजर आ रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही है कि आप खुश नहीं हो, आप आज भी उन्हें याद करते हो, आप आज भी उन्हें मिस करते हो, ठीक है। और उनका बस चले ना तो वो आपको हील करना चाहते हैं, आपको जो भी उन्होंने दुख दर्द दिया है ना, उस दुख दर्द को हील कर आपको खुश करना चाहते हैं, आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, ठीक है। उनकी इंटेंशन आपके लिए काफ़ी प्योर दिख रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, दे आर वॉचिंग यू ऑल द टाइम, आपको देखना, आपकी फोटोज़ देखना, आपकी वीडियोज़ देखना, आप क्या पोस्ट डाल रहे हो वो चेकआउट करना। स्ट्रांगली स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे उनके अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं वो आपको, आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, इस रिश्ते को एनालाइज करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, आपके पोस्ट्स को। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक, वो कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। वो लिटरली मुझे उनके अंदर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपके सामने
अब उन्हें आपकी तरफ बढ़कर सिर्फ आपको सॉरी बोलना है, ठीक है। उन्हें आपके लिए स्टेप लेते हुए मैं देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि वो अब एक कमबैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और इस बार प्योर इंटेंशन के साथ, इस बार वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जब वो इस बार आएंगे ना, तो वो लिटरली अपना लॉयल, अपना ऑनेस्ट लव वो आपको शो करेंगे, ठीक है। एंड समटाइम आई फील दैट यू डोंट लव मी, उनको लेकिन कई बार ये डाउट्स आते हैं कि जिस तरीके से आपने साइलेंट बिहेव रखा है, जिस तरीके से आप उनसे दूर हो गए हो, तो कहीं आप उनसे प्यार तो आपको ख़त्म नहीं हो गया, कहीं आप किसी और के, मतलब किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गए हो। तो इस चीज़ का डर भी कहीं ना कहीं उनको सताता है, उनको इस चीज़ का डर है कि आप उन्हें अब पहले जैसा प्यार कर पाओगे या नहीं, उन्हें इस चीज़ का डर है कि आप पहले की तरह उन पर भरोसा कर पाओगे या नहीं। तो वो एक ओपन माइंडसेट के साथ भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहां पर वो चीज़ें अब आपके हाथों में छोड़ना चाहते हैं कि यार मैं तो तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम अगर मुझसे पहले जैसा मुझ पर भरोसा कर पाओगी, तो क्या तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी या आएगा। सो दैट इज़ वॉट देयर थिंकिंग, जहां पर वो आपकी तरफ एक ओपन माइंडसेट के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ ब्लेसिंग्स भी देखते हैं, ठीक है, जो आपकी रिलेशनशिप में आ रही है इस फुल मून के बाद। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड बताएं मेरे व्यूअर्स को कि क्या ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्स लाइफ में आ गई है। सो हेयर इज अ रिग्रेट सबसे पहले, सेकेंड वी हैव सॉरी फॉरगिव मी, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ओके, इनडिसाइसिव, स्टेबिलिटी, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, एंड कमिटमेंट, ठीक है। वन सेकेंड, तो यहाँ पर जो मुझे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपके पार्टनर में भी इस फुल मून के बाद रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं जो भी गलतियां उन्होंने करी हैं, एंड लिटरली वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको सॉरी कहेंगे, ठीक है। आप खुद ये चीज महसूस करोगे, बहुत जल्दी लोगों का रीयूनियन भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करेंगे, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, और खुद आपके सामने अपने माफी मांगेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी, जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में करा है, उन चीजों की माफी मांगेंगे, आपको क्लैरिफिकेशंस देंगे कि क्यों और क्या हुआ, कुछ सवाल अगर आपके दिल दिमाग में है तो उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, अपने इमोशंस को वो आपके सामने रखेंगे। जो शख्स अभी तक बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हुआ है, तो अब ये शख्स ओपन अप होकर अपने इमोशंस के बारे में आपको बताएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं और आप क्या प्लेस होल्ड करते हो उनके दिल में। अगर वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो अब वो एक क्लियर डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर अभी तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी फैमिली की तरफ जाना है, आपकी तरफ जाना है, या फिर अगर अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आपको कैसे कमिटमेंट रीयूनियन दे, ठीक है, कैसे वो आपके लिए स्टैंड ले, तो अगर अभी तक कोई वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इन चीजों को लेकर, तो अब वो एक डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन लेते हुए से भी मुझे नजर आ रहे हैं। अब वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, और अगर आप कुछ, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देना चाहेंगे अब आपके पार्टनर, साथ ही साथ आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। उनकी प्रेयर्स में भी यही चीज है कि भगवान काश आप मान जाओ, काश आप वापस कम बैक कर लो उनकी लाइफ में, तो वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपके लिए प्रेयर्स करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं इस फुल मून के बाद, ठीक है। एंड आप ये चेंजेस अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर की लाइफ में भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो अब इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में, उनके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपके पार्टनर जो है ना, हर तरीके की नेगेटिविटी को, हर नेगेटिव चीजों को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ते हुए से नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है अब वो आपकी तरफ साथ ना एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर आपके साथ करना चाह रहे हैं। जहां पर अगर कुछ नेगेटिव लोग थे या उनका कोई नेगेटिव माइंडसेट था, तो उसको रिलीज करके, उसको लेट गो करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। सो वो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपको उनकी तरफ से देखने को मिलेगी। आप कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आप लो कॉन्फिडेंट मत हो। अगर आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में हो, या फिर अगर इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हो, ठीक है, तो
लिटरली आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको स्ट्रेंथ रहना है, आपको अपनी होप्स नहीं खोनी है, आपको पॉजिटिव रहना है और इस रिलेशनशिप के बारे में आपको पॉजिटिव ही सोचना है. यू आर गुड इनफ. अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत लाओ. यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, ठीक है. जहाँ पर आपको सेल्फ डाउट में नहीं आना है, आप बहुत सही हो, अच्छे हो और इस चीज़ पर यकीन रखना है, आप पॉजिटिव हो. इस रिलेशनशिप को जब आगे लेकर चलो ना, तो एक क्लैरिटी के साथ लेकर चलना, ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक ए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उस चीज़ों को क्लियरली अपने पार्टनर को मेंशन करना कि आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, इस रिलेशनशिप में आपको क्या क्लैरिटी चाहिए, ताकि आपके दिल में भी कोई नई डाउट्स ना हो, आप भी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर पाओ, ठीक है, बिना किसी पास्ट के रिलेटेड ट्रस्ट इश्यूज से या पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को लेकर, उनका बैगेज लेकर आगे मत बढ़ना इस रिलेशनशिप में. उन चीज़ों को रिलीज करके आगे चलना, ठीक है, ताकि आप जो कुछ भी पास्ट में हुआ उन चीज़ों को जब आप रिलीज करोगे, जब आप लेट गो करोगे, तभी आप फ्रेश न्यू स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है. अगर आप पास्ट के बैगेज को लेकर चलोगे ना, तो मैं कहूँगी फिर मत करना स्टार्ट, ठीक है. पहले आप खुद क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो उस रिलेशनशिप से, आप उसे सेकेंड चांस देना चाहते हो या नहीं, आप उस शख्स पर उतना ट्रस्ट कर पाओगे फिर से या नहीं. अगर वो आपसे आते हैं, आपको सॉरी बोलते हैं, तो क्या आप फिर से उन्हें ट्रस्ट कर पाओगे, क्या आप फिर से उनको एक सेकेंड चांस दे पाओगे, क्या आप उनके साथ वाकई में शादी करना चाहते हो, ठीक है, वाकई में आप उनके साथ स्टेबिलिटी कमिटमेंट चाहते हो. इन सवालों का जब जवाब आपको मिल जाए ना, तो आगे बढ़ना इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना. तो इन सवालों के जवाब ढूंढो और क्लियर हो, खुद आप क्लियर रहोगे, खुद आप अगर क्लियर माइंडसेट में रहोगे तो आगे आपको क्लैरिटी मिलेगी. खुद ही अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स में फंसे रहोगे तो आपको कैसे क्लैरिटी मिलेगी, राइट. सो खुद आपको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली अपने पार्टनर जब आपके रीच आउट करे तो मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर क्लियर एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है. पास्ट का बैगेज लेकर आगे मत बढ़ो, ठीक है. पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन बातों को लेकर आगे बढ़ोगे तो फिर रिलेशनशिप पॉजिटिव होने से तो रहा, ठीक है ना, फिर से वो चीज़ें उठेंगी, ठीक है. तो पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ो रिलीज करते हुए, ओके. सो ये आज की एनर्जीज हैं, डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करी तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जल्दी से कर दो, ओके. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.